हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ DYPIU के बारे में कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है, तो आपको किस तरह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आए तो आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाए। तो आपको सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, उसमें आपको टाइप करना है DYPIU 2023 IAS पेपर। एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ से आपको DYPIU से रिलेटेड आपको सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगी। यहाँ पे दिया गया DYPIU एडमिशन 2023 एप्लीकेशन स्टार्टेड डेट्स एलिजिबिलिटी पैटर्न एंड सिलेबस। देन यहाँ पे दिया गया इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका सेकेंड जैन को एंड देन यहाँ पे इसका फुल फॉर्म दिया गया है। DY पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इसका फुल फॉर्म है एंड देन यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म आएगा जिसमें आपको अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट स्टेट, करंट सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाउस क्वालिफिकेशन, देन आपको गेट फी काउंसलिंग में क्लिक करना होगा। इससे क्या होगा, आपके ईमेल आईडी एंड आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको इस यूनिवर्सिटी से सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगी। देन यहाँ पे नोटिफिकेशन आया, इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, क्लिक हियर टू चेक द एप्लीकेशन डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे। देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे, यहाँ पे अभी लोडिंग हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आप यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो चुके हैं। देन यहाँ पे क्लिक हियर टू आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे जहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकेंगे। ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर अभी लोडिंग हो रहा है, लोडिंग होने के बाद आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया बताया गया, यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, फिर फिल द फॉर्म, सबमिट एप्लीकेशन फीस, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड देन डाउनलोड PDF। तो इस तरह से आपको अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट करना रहता है। देन यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, सबसे पहले आपको अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सेलेक्ट प्रोग्राम, सेलेक्ट कोर्स, आई एग्री पर क्लिक करके आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना रहेगा। तो चलिए हम पहले यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन अपना फिल करते हैं। देन रजिस्टर करने के बाद आपको जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना रहेगा, उसमें आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, पेरेंट्स डिटेल एंड अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स देने रहते हैं। जैसे कि पेरेंट्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जैसे कि आपका नेम, अपना ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट स्टेट, करंट सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाउस क्वालिफिकेशन एंड देन आपको जो है वहाँ पर अपना अपना डेट ऑफ बर्थ एंड देन आपको वहाँ पर अपना जो है ब्लड ग्रुप, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको देना रहता है। फिर आपको अपना पेरेंट्स डिटेल जैसे कि आपको उसमें आपको अपना आपके फादर नेम, मदर नेम, इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उनका ऑक्यूपेशन एंड देन उनका स्टेट बताना है आपको। फिर यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है जिसमें कि आपको अपना सेलेक्ट स्टेट डालना रहेगा, डिस्ट्रिक्ट और सिटी। फिर उसके बाद आपको जो परमानेंट एड्रेस है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं है तो आप दूसरा अपना डाल सकते हैं। फिर आप मोबाइल नंबर देना रहता है आपको अपने फादर का या मदर का एंड देन आपको उसमें अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स देने रहते हैं, जैसे कि आपको अपना 10th या 12th का मार्कशीट देना रहेगा एंड देन आपको अपना कुछ एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना रहेगा JPG या PNG फॉर्म में, देन उसमें आपको अपना सिग्नेचर करना रहता है। तो इस तरह से आपको सारा प्रोसेस कंप्लीट करना रहता है एंड देन आपको अपना एप्लीकेशन फ़ीस देना रहता है। एप्लीकेशन फ़ीस जो आप किसी भी तरह दे सकते हैं।